इधर हिंदपीढ़ी में तैनात रहे 150 पुलिस वालों को क्वारंटाइन किया गया है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त बता दे कि 150 पुलिसकर्मी जो हिंदपीढ़ी में तैनात थे उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। कोरोना के संक्रमण के खतरे को लेकर ये एहतियात बरता गया है। तो देखिए, तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं। एक तो लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप घरों में रहिए, वो इलाका सील किया गया है। सुबह सुबह फ्लैग मार्च किया जवानों ने। अब इतने दिनों तक जो जवान वहां पर तैनात थे उनमें से 150 पुलिस कर्मियों को अब क्वारंटाइन किया गया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि कहीं संक्रमण का दायरा तो नहीं बढ़ा, क्या इनमें से कोई संक्रमित तो नहीं हुआ, ये जांचने के लिए, परखने के लिए इन्हें क्वारंटाइन किया गया है। एहतियातन इनको क्वारंटाइन किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हिंदपीढ़ी में तैनात 150 पुलिस वालों को क्वारंटाइन किया गया है। अपने सहयोगी सत्यव्रत किरण से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, ये एहतियाती कदम प्रशासन का कि जो हिंदपीढ़ी में तैनात रहे, क्योंकि अब तक तो हॉटस्पॉट बना हुआ है रांची का हिंदपीढ़ी कोरोना को लेकर, तो वहां जो पुलिसकर्मी तैनात है उन्हें क्वारंटाइन इसलिए किया गया है ताकि ये संक्रमण का खतरा कहीं फैला ना हो। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार के द्वारा यह गाइडलाइन जारी किया गया है कि जो भी योद्धा जो इस लगातार संक्रमण को लेकर लड़ रहे हैं, चाहे वो चिकित्सक हो, नर्स हो, सफाई कर्मी हो, सुरक्षा कर्मी हो, उन्हें भी क्वारंटाइन किया जाएगा। क्योंकि हिंदपीढ़ी जो है वो इन दिनों रांची के लिए हॉटस्पॉट बना हुआ है। वैसे में लगातार कई ऐसे सुरक्षा कर्मी थे जो लगातार हिंदपीढ़ी मोहल्ले में सेवा दे रहे थे, और वैसे में कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा उन सुरक्षा कर्मियों में भी फैल सकता है, जिसको लेकर करीब 150 सुरक्षा कर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है। और रांची के जो पुलिस लाइन है वहाँ क्वारंटाइन जोन बनाया गया है। करीब 14 दिनों तक जो सुरक्षा कर्मी है वो क्वारंटाइन पर रहेंगे। तो इस तरह के आदेश लगातार जारी किए जा रहे हैं। जो चिकित्सक है, नर्स है, सुरक्षा कर्मी है, अस्पताल कर्मी है, सफाई कर्मी है, सभी को करीब 5 से 6 दिनों की सेवा देनी है मरीजों को, और उसके बाद एहतियात के तौर पर उन्हें भी क्वारंटाइन में रहना होगा। चलिए, तो ये एहतियातन ये कदम उठाया गया है ताकि उनको, जिस तरह से अपील की प्रधानमंत्री ने भी, एक और घोषणा भी हुई थी कि जो कोरोना प्रहरी हैं उन्हें, जो लंबे समय से तैनात हैं ऐसे इलाकों में, उन्हें क्वारंटाइन किया जाए, एहतियात बरता जाए। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सत्यव्रत आपका।